इमरजेंसी में हम योम का ट्रेंड लाइन को वापस खोल रहे हैं क्योंकि अभी अचानक से हवा जोर से स्टार्ट हो गई है। पिंपल के लिए बहुत ही ज़्यादा वार्निंग दी गई है साइक्लोन की, तो इसके लिए अभी लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई है। लाइट तो बंद हो ही जाती है जैसे हवा तेज होगी, अभी के लिए तो पता नहीं कितना आए क्या है, लेकिन स्पीड काफी बोल रहे हैं। यहाँ पे शायद आपको दिखेगा कितनी सारी फ्लाइज आई हुई है आज, बड़ी और छोटी सब। मुझे ज़्यादा क्लोज नहीं जाना वहाँ पे, और पूरा का पूरा वेदर चेंज हो गया है पूरा। आज भी 5:30 बजे है लेकिन बाहर भी निकल रहे, लेकिन इतनी हवा भी चल रही है लेकिन इतनी गर्मी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ज़्यादा बहुत बारिश आएगी। क्योंकि ये गर्मी एक जो लिमिट के बाहर की गर्मी होती है ना, अभी इस टाइम पे भी ऐसा लग रहा है कि आसपास कहीं इतनी ज़्यादा आग है। तो अभी हमारी एसी नहीं चल रही थी, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी तो सर्विस करवानी थी, तो अभी वो लोग भी आए हैं तो वो कर रहे हैं। और इसी गर्मी की वजह से सारे बर्ड्स और जो मधुमक्खियाँ हैं छोटी बड़ी सब पानी ढूँढ रहे हैं। जहाँ पर भी पानी है वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स इकट्ठा हो जाती है, मधुमक्खियाँ हो सब कुछ। एंड अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हमारे दूसरे खेत में ट्रैक्टर चलाना है, शायद रामदेव इवनिंग को जाएगा जब ये थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी। अब हमारा जो यहाँ पे ग्रास का काम बाकी था थोड़ा सा, वो भी बाकी है तो वो भी ख़त्म करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है और वेदर पूरा का पूरा डिफरेंट हो चुका है। इस साइड में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बारिश उस साइड में कहीं हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा हवा के साथ बारिश आई तो हमें ये ओम का ट्रैम्पलाइन को भी कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है, कितनी बारिश होती है क्या होता है। तो ये टॉयलेट जो हम बना रहे थे वो बन गया है, तो इसमें जो सीमेंट लगी होती है उसमें पानी देना होता है, इसलिए मैं आया था अभी। इसका ढक्का नहीं है, ओपन ही रखा है, और यहाँ पे कुछ बांध के या दरवाज़ा लगा सकते हैं या कुछ कपड़ा वपड़ा भी बांध दे तब भी चलेगा, क्योंकि इसका यूज़ रेगुलर होता नहीं है। जब भी हमारे पार्टनर्स होंगे तभी इसका यूज़ है तो उनको, तो हम इसको अगर कवर भी करना होगा आगे जाके कर सकते हैं ऊपर से, और इसको प्लास्टर भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये बेस्ट है, चलेगा बिल्कुल अच्छे से, यूज़ कर सकते हैं। तो मीरा का जो बचा हुआ मिल्क होता है वो अभी निकाल रहा है, पता नहीं कितना निकला वो, तो अभी तो थोड़ा सा ही है, इतना ही होता है, एक आध दो लीटर जितना निकलता है। क्योंकि आभा देवी का ये है कि ये कभी कभार ज्यादा पी लेती है, कभी कभार 2 टिस्का पीती है, कभी 3 का पी जाती है, कभी 4 का भी पी जाती है। आज सुबह पूरा पी लिया ना, इसलिए अभी थोड़ा कम। और अभी इसका फोकस है यहाँ पे खाने पे, इसमें हमारे गेहूं का आटा भी है, हाँ, और एक दूसरा 1-2 फीड जो आते हैं वो भी है, तो वो मम्मी के साथ खाती रहती है अपनी मम्मी के साथ। पूरा वेदर हो गया बारिश का, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं तो आएगी। और यहाँ पे कौन है, वो होम जंप कर रहा है ना। अभी हमें वो ग्रास का काम है वो खत्म करने जाना पहले, जो सुबह हमने छोड़ा है। एंड राम बापा जो पापा है हकिंदर खेड़ा, वहाँ पे उसके मूंगफली भी खेत में पड़े, तो वो थोड़ा सा टेंशन में है, ज़्यादा सब लोग दौड़ रहे हैं अभी यहाँ पे, लेकिन जिसकी फसल अभी खेतों में है इसकी सास वो जल्दी दौड़ते दौड़ते काम कर रहे होंगे, तो विश करते कि सबका फसल किसी की बिगड़े ना, किसी भी किसान की। तुम करके दिखाओ कितना करते हो, वो आर यू एंजॉयिंग? यस, तुम मुझे बांध कर आई हो। अच्छा, तू जाजू जम कर रही ना थी? जाजू से ज्यादा नहीं कर सकती हूँ मैं, थक गई। अभी मोर आया यहाँ पे, अभी चला जाएगा, मैं जाऊंगी तो। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने ये ग्रास डाला है, अभी पहले इसको कवर करना है पूरा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे लेवल करना है, वो कर देते बाद में जल्दी जल्दी बाकी का काम खत्म करते। अभी यहाँ पे जो ये ग्रास पड़ा है वो भी मैं घर पे छोड़ के आती हूँ। तो अभी वहाँ पे दूसरी साइड रामदेव वो कर रहा है थोड़ा सा जो बाकी था, और यहाँ पे अभी ये ग्रास को मैं पापा कवर करने वाले।
अभी यहाँ पे जो हमने ग्रास लगाया उसमें पानी भर गया पूरा। अभी पापा इस साइड में है, वहाँ पे भी पानी जा रहा है। पानी चलता है गद्दम का, बहुत अच्छा है। रज को है, हिंदी में रज को बोलता है, गद्दम गुजराती में गद्दम बोलता है। ये रज के में पानी जा रहा है। अभी शिवानी तोरी का फेवरेट चीज हो गई। अब पीछे बड़ा डूंगर दिख रहा है पापा के पीछे। वर्षाद में आकर्षण हो गया तो पूरा जमीन माथे वो जलता है। थोड़ा बारिश आएगा तो आएगा, नहीं तो छत पड़े जाए। तो अभी आज इतनी ज्यादा गर्मी हुई है कि पेट के अंदर भी गर्मी हो रही है, तो कुछ ठंडा। और भारती को बहाना चाहिए होता है कुल्फी खाने का, कुछ भी। वैसे है घर की बनाई तो अच्छी है। और मम्मी फिर वो साइड कर लेंगे भारती की। नहीं अभी राम लास्ट 10-15 दिन सब काम कर थे ना, तो बंद की थी कुल्फी बनानी, कल ही बनाई है। और जब ये ज्यादा खा लेते हैं ना तो फिर हमारी टर्म हमें जो बोलना होता है वो बोल ही नहीं देती होता। लाइट गई और ये गई लाइट। और अभी लाइट गई है तो मम्मी ये जो एलोवेरा है वो रेडी कर रहे हैं। मम्मी को भी लगाना है क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। रामदेव को भी लगाना है क्योंकि नहाने जाए तो आपने वो रखते है तो पूरा सर ठंडा हो जाता है ना। हाँ मुझे कोई चीज जो मम्मी एक तो खा गया चीज मुझे एक। ओके अभी मम्मी देगी। ये मक्खन चोर बंदा ये जो है ना वो मक्खन चोर है, मक्खन वाली चीज ये सब खा जाता है। मक्खन वाला चीज है वो। चीज नहीं चीज चीज। तो अभी मेरा हो गया एलोवेरा का काम, अभी मम्मी का चल रहा है और मुझे जाना है नहाने। ऐसे ही चलता रहेगा, फिर जाएगी भारती नहाने इसके बाद। यहाँ पे इमरजेंसी में हम ये ओम का ट्रेन लाइन को वापस खोल रहे हैं क्योंकि अभी अचानक से हवा जोर से स्टार्ट हो गई है। पिंपल के लिए बहुत ही ज्यादा वार्निंग दी गई है साइक्लोन की, तो इसके लिए अभी लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई है। लाइट तो बंद हो ही जाती है जितनी हवा तेज होगी, तो अभी के लिए तो पता नहीं कितना आए क्या है, लेकिन स्पीड काफी बोल रहे हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए ये तो खुल गया ऑलमोस्ट, अभी जैसे इसकी स्प्रिंग निकालेंगे ये हो जाएगा। अभी हम खोल रहे हैं इसको क्योंकि अभी इसको अंदर रखना भी वापस फोल्ड हो जाएगा तो कोई इश्यू है नहीं, गाड़ी के पास रह जाएंगे गैरेज में। अभी ओम यहाँ पे टेप देख रहा है, शिविया यहाँ पे क्लीनिंग कर रही है। लाइट जो हमारी सनलाइट से चलती है वही है चार्ज में, लाइट है नहीं। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कितनी जोर से अभी हवा चल रही है। अभी तो ये जो प्रॉपर साइक्लोन नहीं है लेकिन जहाँ पे भी साइक्लोन है इसकी असर की वजह से अचानक से इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हुई है। एंड यहाँ पे जो हमारा ट्रैम्पोलाइन था वो पूरा का पूरा हमने जल्दी जल्दी मेहनत करके मम्मी पापा रामू रामदेव सब ने मिल के निकाल लिया है। तो अभी इसको खोल के अंदर रख देना था ताकि दो दिन तक कुछ टेंशन नहीं है। लाइट आज आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है साइक्लोन, तो पहले से ही लाइट चल गई है। तो अभी फ्लोर मिल को अंदर जाने दिया है, यहाँ पे जावा को यहाँ और यहाँ आने दिया। रामो स्कूटी, मेरी स्कूटी को मत भूलो, जावा तो ठीक है लेकिन। अबे ओम का ट्रैम्पोलिन आ गया है पूरा। ओम आ जाओ, ओम जंप करो थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ओम जंप नहीं करना है तुमको अभी। हाँ कर लो वहाँ पे ऐसा ट्रैम्पोलिन। हाँ तो कल मेहनत से पूरा लगाया था और आज अभी पूरा का पूरा खोल के वहाँ पे रख दिया है वापस। अभी लाइट नहीं है तो ये सिर्फ जो चार्ज वाले लैंप है वही चल रहे अभी के लिए। अभी बहुत सारे किसान है जैसे राम बापा है किन देख रहे वहाँ पे, अभी रात को काम स्टार्ट होने वाला है जो थ्रेसर मशीन का है, जो मूंग लगाए है तो वो निकालने वाले थे। यहाँ पे ये क्या, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रात तक बारिश ना आ जाए और उसकी फसल ना बिगड़े। वैसे बहुत सारे और भी किसान होंगे
यहाँ पे ये जो साइक्लोन है उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है, मुंबई के आसपास है अभी, वैसे विंडी में वही दिखा रहा है जो भी नाम है इसका। और एक बात मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कीप काम स्टे काम। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी तो है, ये बारिश की गर्मी है। और 1999 का जो साइक्लोन आया था हमारे यहाँ, बहुत लोगों को याद होगा, बहुत को नहीं होगा, कुछ यहाँ मेरे पास बैठे वो बहुत छोटे थे, मुझे थोड़ा सा याद है कि होगी भर्ती उस टाइम 92 में मेरा बोन है और 99 में वो आया, तो 5-6 साल ओम की एज की थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। 13 साल का था। विलेज में मेन क्या होता है कि सिटी में क्या होता है कि लाइट कम कट करते, लेकिन विलेज में बहुत ज्यादा लाइट पहले से कट करते। एक महीना नहीं आई थी इलेक्ट्रिसिटी, पूरे पोल यहाँ से वहाँ तक गिर गए थे। फिर पापा ने और सब घर यहाँ आसपास के जो लोग हैं हमारे एरिया में, उन लोगों ने पूरी लाइन वापस खुद लगाए थे, पोल खुद लाइनें भी लगाई थी। वही लाइनें अभी जहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रिक आ रही है वही लाइनें इनकी खड़ी की हुई है। लेकिन सिटी में फिर भी कंपेयर टू सिटी में बहुत जल्दी आ जाती है, लाइट भी नहीं जाती, जाती नहीं है और आती भी जल्दी है ना। और यहाँ पे विंडी बहुत ज्यादा है, तो मेन क्या होता है पानी का, तो हमने फिल्टर का, लेकिन यहाँ का फायदा ही होता है हवा तेज आती है, लेकिन सब अलग अलग होता है। तो नुकसान ये है कि हमारे एनिमल होते हैं सब कुछ होता है। सिटी में ये होता है कि आपने दरवाजा बंद कर लिया और हो गई आपकी फैमिली, और हमारी फैमिली पूरी फैली हुई होती है। सिटी में पूरी एक सोसाइटी होती है, उतने में हमारा ये सिर्फ फैला हुआ होता है। हाँ। हमारे एनिमल से लेके अराउंड 2000 वार में हम लोग रहते होंगे, हमारे जानवर और हम सब लोग, तो ये थोड़ा मुश्किल होती है फार्मर्स को। गुड, अच्छी लेकिन ब्राइटनेस कम रखना, ठीक है। और अभी ज़्यादा नहीं आएगी तो एक दो दिन ही खेल पाओगे बेटे आईपैड में। और मैंने वो आटा भी भर के रख लिया है ताकि बहुत सारा आटा है, 10-15 दिन भी ना आए तो रोटी, और बहुत सारा गेहूँ भी है आपको पता ही है। तो खाने पीने की कोई इश्यू नहीं होती, गाय है तो दूध दे देती है, और वो सेफ जगह पे है हमारा। उसका जो छत है गायों का जो छपरा है वो नीचा है, मतलब हाइट उसकी बहुत कम है, और इस तरफ से हवा आने वाली है, इसका मतलब वो एरिया सेफ है। और दूसरा जो लोग गोड़िया रखते हैं वहाँ पे ये है कि वो ओपन है तो उसमें हवा कहीं भरेगी नहीं, तो वो चांसेस कम होते हैं निकलने, तब उसमें कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं निकलेगा, कोई भी चीज़ निकल सकती है, हवा में इतनी ताकत होती है। हाँ, लेकिन भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फसल अभी बाहर पड़ी है, हमारी फसलों का चारा पड़ा है, स्पेशली किसानों का। अभी किसान को बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है जब ये टाइम से पहले आ जाती है ना बारिश, ऐसा कुछ साइक्लोन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो बोलते हैं ना कि किसानों का सोना खेतों में खुला पड़ा होता है, जो उनका फसल होती है वो, तो अभी तिल सबके है जो है वो फसल अभी लेनी बाकी है और खेत में उसका काम चल रहा होता है। और मूंग का बहुत ही रिस्क हो जाता है, तिल में तो इतना कुछ सिस्टम, तिल में इतना नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बारिश थोड़ी बहुत हो भी जाए तो उसको कोई इतना नुकसान नहीं होता। मूंग सीधे ही जहाँ खड़े जहाँ पड़े होते वहीं से वो निकल आते हैं, उसके क्या बोलते हैं वापस उग जाते हैं, इसलिए राम बापा और वो रात को भी 12 बजे से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वो हाँ, भगवान से प्रार्थना है कि ये साइक्लोन भी जल्दी जल्दी चला जाए एंड सब कुछ ठीक हो जाए। तो नहीं अभी उनका पूरा ट्रैम्पलाइन हमने रख दिया है अंदर, खोल के पूरा मेहनत कल किया था बनाने में, अब खोल दिया, अब एक दिन में वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। थैंक यू, बाय एंड कीप वॉचिंग एंड यू डोंट वॉच योर टेप टू मच, ओके, वरना चार्ज खत्म हो जाएगा। No cutting trees. Bye. And no pollution. Okay. Wear mask. Okay. Chalo, bye. Bye. बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इस साल की पहली बारिश। हाँ। और जो ये मिट्टी की खुशबू की मैं बात कर रहा था अगले वीडियो में, वो आ रही है अभी, और यहाँ पे इतनी बस अभी स्टार्ट ही हुई है।